सामर्थ्य दिया हो, कुछ कर दिखाने की ललक दी हो, उसके बावजूद भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ी एसेट बन सकता था, देश की नेतृत्व ने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। नौजवान को अवसर चाहिए। आज चाइना की जो बात बता रहे थे स्वामी जी, चाइना ने एक काम पर बहुत बल दिया और वो बल दिया स्किल डेवलपमेंट। नौजवानों को हुनर सिखाओ। अगर उसके पास हुनर होगा तो उसके अंदर सामर्थ्य है, जीवन जीने का रास्ता खोज लेगा। आपको जानकर के हैरानी होगी, भारत सरकार ने बार बार भांति भांति प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के मिशन बनाए, प्रधानमंत्री तक उसके चेयरमैन बने, हर तीन महीने उसका मूल्यांकन करना तय हुआ, लिखित तय हुआ, लेकिन तीन साल तक मीटिंग तक नहीं हुई। अब कोई मुझे बताए भाई, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन की जरूरत है क्या? काम नहीं हो सकता। मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात बताता हूं इसलिए कि गुजरात ने उस दिशा में करके दिखाया। हम चाहते हैं अगर देश की जीडीपी को बढ़ाना है तो हमारी उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग करना होगा। हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बाबा ने जिन इश्यू को उठाया उसको अरुण जी ने भी बहुत पॉजिटिव बता दिया है, राजनाथ जी ने भी बता दिया है, लेकिन मैं और तरीके से उस चीज को बता रहा हूं। कृषि प्रधान देश है, हमारे यहां कृषि के साथ पशुपालन अंगभूत व्यवस्था है। और मैं मानता हूं कि कृषि को अगर हमें सामर्थ्यवान बनाना है तो उसको तीन हिस्सों में बांटना होगा। एक तिहाई रेगुलर खेती, एक तिहाई वृक्षों की खेती, पेड़ों की खेती, और एक तिहाई पशुपालन। आप कल्पना करें, हमारे यहां दो खेत के बीच में कितनी जमीन वेस्टेज होती है, मुझे बताइए भैया। सबको मालूम है ना, उस खेत वाला हमारे खेत में न घुस जाए, हमारे खेत वाला उसके घुस में न जाए, बीच में जो हम बाड़ बना देते हैं, कितनी जमीन वेस्टेज करते हैं। अगर उस किनारे पर उनको पेड़ उगाने का अधिकार दिया जाए और उस पेड़ बेचने का अधिकार दिया जाए तो इस देश को टिम्बर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के कृषि प्रधान हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए गोल्ड पर हमला बोल देते हैं। यानी करने जैसे काम नहीं करना, न करने जैसे पहले करना। मित्रों, 60-70 के दशक में हिंदुस्तान में गोल्ड स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा गोल्ड सोने की तस्करी इस देश